पिशावर आए हैं डेरा डेरा मनाना। शहरे इक्तदार, शहरे बेमिसाल, विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आज तिजारत प्रॉपर्टीज की टीम फूलों के शहर पेशावर में आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, तिजारत प्रॉपर्टीज की जानिब से मैं हूं मलिक दानिश अली और मैं हूं रुहामा मलिक। तो जी, मैं और दानिश आज लेके आए हैं आपको पर्ल कॉन्टिनेंटल पेशावर में। तो आपका सवाल होगा कि हम पेशावर क्या करने आए हैं। हम यहाँ आए हैं एक एक्सपो अटेंड करने, जो कि इनेकाद किया है जिसका पाक वर्ल्ड ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर ने। लाहौर स्मार्ट सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी की है इसमें भरपूर शिरकत। तो अभी आप दानिश बताएं कि आप क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं आपकी इस एक्सपो से। बिल्कुल जी, जिस तरह की आपने बता भी दी है कि ये पाकिस्तान की पहली स्मार्ट सिटीज़ हैं, इसी वजह से इस इवेंट को भी स्मार्ट एक्सपो का नाम दिया गया है। और ख़ासतौर पर कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी, जो कि एशिया की तीसरी स्मार्ट सिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी, उन लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है एक्सपो के अंदर। जाहिर सी बात है, अपने प्रोजेक्ट्स की वो ब्रीफिंग दे रहे होंगे, जो भी क्लाइंट्स के सवालात हैं उनके हवाले से भी ब्रीफिंग दे रहे होंगे। और साथ ही साथ ये जो हमारा पहले भी हम लोग इस्लामाबाद के अंदर भी आपको अपडेट हमने किया था, हम प्रॉपर उनकी उस सेलिब्रेशन पर गए थे जब उन्होंने की थी तीन बड़ी अनाउंसमेंट, जिसके हवाले से हमने आपको तमाम अपडेट्स दी थी। और इसी तरह अब हम पेशावर में आ चुके हैं, तो चलिए अंदर चल के देखते हैं दादी जी। अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। ओके, जी तो अब हम लोग बिल्कुल अंदर मेन एंट्रेंस के ऊपर मौजूद हैं हम दोनों। अब हम आपको ले के चलेंगे अंदर और आपको बताएंगे कि क्या एग्जीबिशन के अंदर चल रहा है। लोगों ने तो वैसे स्टॉल्स, काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स लगाए हुए हैं रियल इस्टेट के हवाले से दानिश, और साथ ही साथ ये जो एक्सपो है, चंद एक्सपोज में से एक एक्सपो है जो कि कोविड के बाद हुआ है। बिल्कुल जी, कोविड के बाद जिस तरह के इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से किया गया था एक इस्लामाबाद पाक चाइना सेंटर के अंदर एक्सपो, उसके हवाले से भी वीडियो आपके साथ शेयर की थी। और अब ये दूसरा एक्सपो है जो कि किया जा रहा है इस वक्त जी निजी होटल पेशावर के एक में। तो वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, अंदर जाकर देखेंगे कि क्या मामलात हैं और क्या सूरत हाल है। ठीक है, तो आप बिल्कुल, हम मेन एंट्रेंस के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और यहाँ से आपको आगाह करेंगे कि अंदर की क्या सूरत हाल है। कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी की तमाम इंतजामिया, सुबाना जोरोंग की इंतजामिया यहाँ पर पहुँची है, मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा भी किया है और बोर्ड मीटिंग्स भी हुई हैं। तो अब अंदर पहुँच चुके हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि क्या हो रहा है और आपको करते हैं हर खबर से अपडेट। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मेन लोकेशन पे, जहाँ पे तमाम जो रियल इस्टेट के स्टॉल्स लगे हुए हैं। साथ ही साथ हमारे सामने एक मैप है, बहुत बड़ा मैप। ये देखने में तो किसी सिटी का मैप लगता है, लेकिन ये एक सिटी का मैप नहीं बल्कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का मैप है। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने सिर्फ स्मार्ट फीचर्स पे ही फोकस नहीं किया, बल्कि उन्होंने ज़रूरियात ज़िंदगी के तमाम अनासर पे फोकस किया है। जो कि फैक्ट आपको ऑलरेडी पता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अब अपना रकबा बढ़ाकर कर दिया है 1 लाख, और फ्यूचर के अंदर वो जाने लगे हैं 1.5 लाख कनाल तक। तो दानिश आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल जी, 1.5 लाख कनाल तक चले गए। इस इवेंट के हवाले से आपको गाइड करते चलें कि जो इस इवेंट की इफ्तिताही तकरीब थी, जो रिबन काटने की सेरेमनी थी, वो जो हमारे सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर के जो स्पीकर हैं मुश्ताक गनी साहब, उन्होंने रिबन काटने की सेरेमनी की। मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने शिरकत की, मुख्तलिफ कारोबारी तबके ने शिरकत की, यहाँ पर आए, अपनी फैमिलीज के साथ देखा, रियल इस्टेट को जाना, कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से डिफरेंट क्यूरीज थी उनको भी जाना, लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से जितनी भी क्यूरीज थी उनको यहाँ पर उनको मुकम्मल जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, सर्विसेज प्रोवाइड की गई, उनको कंप्लीट डिटेल्स फ्राहम की गई। डिटेल में से एक मिसाल आपके पास कैपिटल स्मार्ट सिटी का ये बहुत बड़ा जो है अजीमुल जुस्सा मैप यहाँ पर पड़ा हुआ है,
तो ये एक बहुत ही नहायत खूबसूरती से बनाया गया है। इसमें आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो मैप है उसको रिसेंट चेंज कर दिया गया था, ठीक है। उसमें मोटरवे इंटरचेंज की जो प्लेसमेंट थी उसको चेंज कर दिया गया, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को चेंज किया गया और डिफरेंट प्लेसेस को मतलब आगे पीछे कर दिया और मुख्तलिफ लोकेशन जो हैं उनकी चेंज की, और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि लोकेशन चेंज होती रहेंगी जब तक एक सोसाइटी कम्प्लीट आबाद नहीं होती। तो उसका मास्टर प्लान जो है उसमें हल्की फुल्की चेंजेस जो हैं वो आती रहती हैं। अच्छा जी, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी अभी हमने यहाँ पर देखा है कि जी सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर तशरीफ ला चुके हैं, उनसे भी जाकर बात करते हैं कि वो इस इवेंट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। तो आइए रुमामा ज़रा चलते हैं, जाकर उनसे भी बात करें। अच्छा, सबसे पहले सर अपने कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। बताइएगा कारोबारी तबके के लिहाज से सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से ख़ास तौर पर रियल इस्टेट की अगर बात की जाए किस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं? रियल इस्टेट जी पेशावर में अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पर रियल इस्टेट है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर कोई भी अच्छा ग्रुप या प्रोजेक्ट DHA के अलावा अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम 3 साल से बैरिया का सुन रहे हैं लेकिन अभी तक उनका भी कोई कंफर्मेशन नहीं आई कि वो कहाँ जा रहे हैं। पेशावर में इस टाइम बहुत बड़ी गुंजाइश है क्योंकि यहाँ पर हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत कम हैं और वही पुराना पेशावर ही है। हैदराबाद के बाद DHA और हैदराबाद के बाद यहाँ पर और कोई प्रोजेक्ट नहीं है। और आप देखें DHA में भी गुज़िश्ता 2 सालों में प्राइस डबल से ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर की यहाँ पर, हाउसिंग सेक्टर की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है जी। अच्छा, ख़ास तौर पर बात की जाए पूरी मुल्की सतह पर अगर देखी जाए, हमने जितने भी इन्वेस्टर्स देखे हैं तो मोस्टली हमने इन्वेस्टर देखे हैं पख्तून बरादरी। तो अगर पख्तून बरादरी इन्वेस्टर है तो पख्तून बरादरी के लिए सरहद चैम्बर की जानिब से कोई इकदाम या कोई रिलीफ किस किस्म का, खासतौर पर कोरोना की बात की जाए तो कोरोना के अंदर तमाम जो कारोबारी सरगर्मियाँ थी वो मुतासर हुई मगर रियल स्टेट मुतासर ना हुआ, तो पख्तून बरादरी हमने देखी है इन्वेस्ट भी करती है, तो पख्तून बरादरी के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए जी, हमारा जो बेसिक काम है वो है बिज़नेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना। हम एक ब्रिज हैं हुकूमत और बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान। पूरी कोशिश करते हैं कि फैसिलिटेट कर सकें, लेकिन अभी जैसे मैं गया हूँ तो एक पेशावर के आप लोगों का जो ऑफिस है और उन्होंने मुझे बताया है कि जी हम यहाँ पर बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है। तो ये इटसेल्फ एक चीज़ है कि पख्तून बरादरी इंटरेस्टेड है और उनके पास बड़ा पैसा है, पैसा निकलवाना आपका काम है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। दानिश आ चुके हैं SCCI के प्रेसिडेंट का इंटरव्यू करके, उन्होंने दिए हैं कुछ हकायक, उन्होंने पेश किए हैं कुछ हकायक बिजनेस के हवाले से। तो दानिश से पूछते हैं उनका क्या ओपिनियन है इस बारे में। ओपिनियन बेसिकली उनका भी इमरान खान का विजन जिस तरह था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है, खासतौर पर अगर इस मुल्क की बात की जाए, मुल्क पाकिस्तान या दुनिया में किसी भी मुल्क की बात की जाए, तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज हैं या इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपके मुल्क को तरक्की की राहों पर लेकर जाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जिस भी उन्होंने गुफ्तगू की है उसका ज़रूर कोई फल मिलेगा जी। तो अभी अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट, FTHL की मैनेजमेंट और साथ ही साथ सुरबाना जुरोंग की हायर मैनेजमेंट ने किया है स्टॉल्स का विज़िट, उनको किए गए हैं फूलों के गुलदस्ते भी पेश, साथ ही साथ उन्होंने अपने सेल्स पार्टनर्स को तारीफी शील्ड्स भी दी हैं। दानिश आपको क्या लगता है? बिल्कुल जी, तारीफी शील्ड्स पेश की गई हैं। उनके यहाँ के यहाँ पर आने का मकसद था कि वो अपने तमाम के तमाम सेल्स पार्टनर जो हैं उनको वो बूस्टअप कर सकें, और इसके साथ साथ तिजारत प्रॉपर्टीज़ की टीम का यहाँ पर आने का मकसद था कि आपको तमाम की तमाम हकायक, तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो मंदर आम पर लाई जा सकें। और जितनी भी सर्विसेज हैं हम पहले भी प्रोवाइड करते रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैप्स के ऊपर, साइट विजिट के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, हर किस्म की अपडेट से आपको आगाह करते रहे हैं। इसी तरह ये भी हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम यहाँ पर आके जो लोग इस एक्सपो में शिरकत नहीं कर सकते वो अपने घरों में बैठ कर इस एक्सपो को देख सकें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आगे मज़ीद भी देखेंगे जी, आज तो दिन बड़ा अच्छा गुजर रहा है और मजीद यह है कि इस एक्सपो को देखेंगे, विजिट करेंगे और आपके लिए सारी चीजें सामने लेकर आएंगे। तो ये था कैपिटल स्मार्ट सिटी। अब बात कर लेते हैं कुछ बिल्डर्स और डेवलपर्स के हवाले से भी।
मलिक असलम जो कि हैं FDHL के COO, उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत के जितने भी इकदाम थे रियल इस्टेट को फ़रोग देने के, वो बहुत ही काबिले तहसीन और साथ ही साथ इसके बिल्कुल जितने भी लोग हैं उनको रोज़गार मुयसर होगा। ख़ासतौर पर कोरोना वायरस की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जो हैं वो मुतासर हुई, मगर ये वो वाहिद इंडस्ट्री थी जिससे मुख्तलिफ लोगों को रोज़गार मिला। जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर हमने जिक्र किया कि पैंडा डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, उधर 25,000 से ज़ायद मुलाजमीन आकर काम करेंगे। इसी तरह मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट या मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग जहाँ पर आएंगे वो काम करेंगे, वेयर हाउसेज बनेंगे, फैक्ट्रीज़ बनेंगी और मुख्तलिफ ब्रांड्स आउटलेट्स यहाँ पर आएंगे। जब इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं तो उसके साथ साथ रोज़गार भी मिलेगा। उसके बाद ओवरऑल कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी और ख़ास तौर पर आज फूलों के शहर पेशावर आने का मकसद ये था कि हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। अब जी पख्तून बरादरी के पास हम आए हैं, यहाँ पर उन्होंने हमारी बड़ी खिदमत की है, हमने तमाम का तमाम एक्सपो देखा है। अब उन्होंने पठान जो हैं वो अपनी मेहमान नवाजी की वजह से जाना जाते हैं, तो हम भी उनसे यही अपील करेंगे कि कभी हमारे पास भी इस्लामाबाद आएँ और हमें भी अपनी मेहमान नवाजी का मौका दें। कोई भी सोसाइटी, कोई भी एक बड़ा विंग जो है वो जाना माना जाता है अपनी बेस की वजह से, उस सोसाइटी के अंदर बेस होती है उसके बिल्डर्स और डेवलपर्स। FDHL, HRL, हबीब रफीक लिमिटेड एक बहुत बड़ा नाम है और पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मुकाम रखते हैं। अगर आप इंटरनेट पे इनको सर्च करें तो किताबें भर जाएंगी और जो है FDHL की जितनी भी कारकर्दगी हैं वो नहीं ख़त्म होगी। तो FDHL एक बहुत कामयाब, बहुत एक पुरअज़्म इदारा है, बहुत पुरअज़्म जो है वो बिल्डर्स हैं जो कि इस बात पर पुरअज़्म है कि हमने जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी को जल्द से जल्द आबाद करना है। कोई भी मुल्क जो है, उसकी तरक्की जो होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर होती है या इंडस्ट्रीज़ के ऊपर होती है, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी एक वो इंडस्ट्री है जिससे मुल्क पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये सोसाइटी जो है वो अपनी नौयत का एक शहर है, एक पहले पाकिस्तान की पहली स्मार्ट सिटी है और पाकिस्तान के अंदर हर काम जो ये जितने भी काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा होने जा रहे हैं। NOC इनकी इशू हुई कैपिटल स्मार्ट सिटी की, वो बहुत बड़ी NOC इनको मिली। अक्सर सोसाइटीज़ में हमने देखा है NOC नहीं होती, या अगर होती है तो वो बहुत कम होती है, मगर कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास इस वक्त बहुत ज़्यादा NOC है। तो जल्द से जल्द इस ऑफ़र को अवेल करें, यहाँ पर आकर बुकिंग्स करें। तिजारत प्रॉपर्टीज़ हमेशा आपको हर वीडियो में गाइड कर रही है, आप हमारी सेल्स टीम से रब्ता करें। हमारा मकसद ये है कि जो ओवरसीज़ लोग हमें देख रहे हैं वो वहाँ से जो है हमसे हम जितनी सर्विसज़ उनको प्रोवाइड कर सकेंगे यहाँ से कर सकेंगे, और जो वीडियोज़ की सूरत में हम उनको पूरी कैपिटल स्मार्ट सिटी का विज़िट करते हैं और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ का विज़िट भी करवाते हैं, डेवलपमेंट अपडेट्स भी देते हैं, जो उनके मसाइल होते हैं उन मसाइल को भी हल करते हैं। तो हमारा मकसद जो है वो क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना है। जी रुहामा जी, तो आपने जिस तरह से दानिश को सुन लिया है कि उन्होंने अच्छी खासी लंबी तकरीर कर दी है और उनका सांस फूल चुका है, तो अब इसी के साथ अब हम लोग अपनी वीडियो को इख्तिताम भी करेंगे, मगर इख्तिताम से पहले ये करेंगे, ये जो आपको विज़िट हमने इतना बड़ा कराया है, इस्लामाबाद से पेशावर आने का मकसद ये था कि आप जो है अपने घरों में बैठ के इस पूरे एक्सपो को देख सकें और कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जल्द से जल्द बुकिंग्स करवाएं, क्योंकि इन बुकिंग्स का आपको फ़ायदा होगा। अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज़ से लेना चाह रहे हैं तब भी आपको फ़ायदा, अगर आप कमर्शियल पर्पज़ से लेना चाह रहे हैं तब भी फ़ायदा है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लेना चाह रहे हैं तब भी आपको फ़ायदा होगा। जिस तरह 5 मरला प्लाट की कीमत है जी 24,15,000, एग्जेक्टिव 2 के अंदर इस वक्त फ्रेश बुकिंग्स अवेलेबल हैं, 2,41,500 से आप बुकिंग करवा सकते हैं, ये बहुत कम अमाउंट है। अगर कैपिटल स्मार्ट सिटी एक कम्प्लीट डिलीवर और डेवलप्ड सोसाइटी बन जाएगी तो ये 24 लाख का प्लाट जो है ये कम से कम भी 80 लाख के करीब पहुंच जाएगा। बहुत रेट्स बढ़ेंगे, लैंड जो होती है उसका रेट हमेशा बढ़ता है। मलिक रियाज जो कि रियल स्टेट के बादशाह जाने माने जाते हैं, उनका यही कहना है ज़मीन पर जो मट्टी होती है वो मट्टी सोना बनकर उभरती है, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर भी जी मट्टी जो है वो सोना बनकर उभरेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक दानिश अली और रुहामा मलिक को दीजिए इजाज़त, इससे पहले कि रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाए जल्द अज़ जल्द करवा लें बुकिंग, और बुकिंग के लिए आप ये जो स्क्रीन पे जो नंबर दिए हैं आप इन पे रब्ता कर सकते हैं, आप हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। और आखिर में पेशावर आए हैं डेरा डेरा मनाना, जज़ाकल्लाह।